आया जाए। ये सरकार जब तक रहेगी हम लोग का कोई चारा नहीं चलेगा और इसे बेमौत मारे जाएंगे हम। या मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सरकार से कहना चाहेंगे आप ही विधानसभा छोड़ के, ये नेतागिरी छोड़ के आप ही मुर्गी फार्म खोलिए और आपका बेटा खोलेगा तो कैसा लगेगा आपको? जयराम दादा हो, वो आंदोलन लगातार कर रहे हो, युवा के मोटिवेट कर रहे हो, की कोई ओकर पूरा समर्थन करो। ये जयराम दादा के अभी खड़ा होवे, हमने पूरा सपोर्ट करबे, काहे कि जब तक हेमंत सरकार रहता है हमने के कोई चांस नहीं की करू। तो एक नंबर का फड़गुआ है, ओकरा कहने में भी शर्म लगता है कि उन लोग सर और मंत्री नहीं है। की बोलो थी उन्हें कुछ समझ में ना आवे। एक हो गलो आलमगीर आलम, की बोलो आधा बतियो समझ में ना आवे। हेमंत सरकार तो कुछ बोलबे ना करो, लेकिन जे ओकर बिहार मंत्री है तो आधा आधा बोलो थी यहाँ करके की बोलो। जय हिंद जय झारखंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 23 मार्च और आज विधानसभा घेराव था, पुराने विधानसभा से लेकर नए विधानसभा की ओर हम लोग जा रहे थे और इसी क्रम में हमारे एक युवा मिले हैं जो कोडरमा से हैं और ये दिव्यांग है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये दिव्यांग है और ये भी लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो ठग रही है ये इनका शिकार है। मैं चाहूँगा दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण प्रसाद है। कहाँ से हैं दादा? हम एक्चुअली मेरा डिस्ट्रिक्ट झारखंड है, हजारीबाग पड़ता है, लेकिन मतलब नजदीक कोडरमा पड़ता है घर। दादा आप आंदोलन में आए, क्यों आए आंदोलन? आंदोलन में आए हैं कि इसमें 60-40 लागू कर दिए हैं हेमंत सरकार, इसमें से हम लोग को बाहर निकाला जा रहा है। 2019 से हम लोग JSSC का फॉर्म भरे हैं, उस दिन से लगे हुए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा कोई ऑप्शन नहीं है झारखंड के अलावा। मैं विधायक और मंत्री और सांसद को मैं बेशर्म कहकर संबोधन करना चाहूँगा कि बेशर्म सरकार है, बेशर्म यहाँ के नेता मंत्री हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे जो दादा आए हुए हैं इस आंदोलन में, दिव्यांग हैं और लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। ये अपना टैलेंट के बल पर सरकार से रोजगार मांग रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार रोजगार देने में नाकामयाब है। देखिए हम JPSC में भी आए थे, मेरा पीटी क्लियर हुआ था लेकिन मैच नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी सरकार मतलब चोरी करा के हम लोग को मतलब नहीं सिलेक्ट किया गया और अभी मेरे पास पैसा भी नहीं था और हम पैसा लेके मतलब किसी से कर्जा लेके आए हैं। ये लगातार दादा सड़क से सदन से लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बहरी सरकार, गूंगी सरकार हम लोग को काम नहीं आ रहा है। दादा क्या कहेंगे इस पे? हम कहना चाहेंगे कि ये सरकार को मतलब नहीं चुना जाए फिर से, इसको हटाया जाए। ये सरकार जब तक रहेगी हम लोग का कोई चारा नहीं चलेगा और इसे बेमौत मारे जाएंगे हम। या मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है सरकार में। नेता मंत्री के बेटा बाहर है पढ़ो और हम ही गरीब आदमी किसान आदमी मेहनत करो ये, पर नौकरी नहीं मिलो। सरकार वाला तो मुर्गी खोलो फार्म खोलो और सुअर चरा बताया जा रहा है। हम सरकार से कहना चाहेंगे आप ही विधानसभा छोड़ के, ये नेतागिरी छोड़ के आप ही मुर्गी फार्म खोलिए और आपका बेटा खोलेगा तो कैसा लगेगा आपको? ये सरकार हम लोग को कुछ नहीं सुन रही है। ये हम लोग सरकार के भगाना है, अभी भगाना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक ये सरकार रहेगी हम लोग मौत मारे जाएंगे और अभी भी मर ही रहे हैं। 2019 से कोई चारा नहीं है हम लोग। मतलब आदिवासी कह के वोट ले लो, हाँ है ना, 5 लाख वोट नौकरी दबो और अभी तक एक तक वोट नौकरी ना दलको, मतलब कहे मतलब ठग के हमने के वोट ललका अभी एक काम ना के ले। खाली अगर योजना है तो लुंगी बांटो, गमछा बांटो और दीदी बाड़ी, और हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार की। इस बार एकदम रगेद देना सरकार, रगेद देना पूरा, हटा देना, हटा तो दबे लेकिन हमने के 5 साल ही बर्बाद कर सरकार, हमें 30 साल भेज गए। आप जो भी फॉर्म निकालते हैं कहते हैं कि 25 या 28 साल होनी चाहिए, हमने कहाँ से भर पे? दादा टाइगर दादा जो टाइगर जयराम दादा है वो आंदोलन लगातार कर रहे हो, युवा के मोटिवेट कर रहे हो, की कोई ओकर पूरा समर्थन करो। ये जयराम दादा के अभी खड़ा होवे, हमने पूरा सपोर्ट करबे, काहे कि जब तक हेमंत सरकार रहता है हमने के कोई चारा ना चल। तो सब पढ़े लिखे युवा के संदेश दें कि कैसे मतलब 2024 के जो है नया सरकार बनते, 2024 के एक वही की जो अवेल नया चेहरा है ओकरा वोट दी, आई हेमंत सरकार रहते और कोई भी पुराना हो और ककरो वोट ना देना, काहे कि अगर से हमें के कोई गन्ना के गन्ना पे छिल के भेज देना है, पूरा गन्ना छिल के भेज देना होगा। अब बोलो जाके कि बोल मर्द लगी हो, मर्द लगो तो फिर बैरिकेडिंग की करो। तो एक नंबर का फड़गुआ है, ओकरा कहने में भी शर्म लगता है कि उन लोग सर और मंत्री नहीं है। की बोलो थी उन्हें कुछ समझ में ना आवे। एक हो गलो आलमगीर आलम, की बोलो आधा बतियो समझ में ना आवे। हेमंत सरकार तो कुछ बोलबे ना करो, लेकिन जे ओकर बिहार मंत्री है तो आधा आधा बोलो तो ये यहाँ करके की बोलते कुछ समझ में ना आवे। दादा आंदोलन में आए, आपने अपना बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय जवाहर।